ये तो हम सब लोग देख रहे हैं कि अमेरिका, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के ना जाने कितने देशों के विरोध के बावजूद भारतीय सरकार अपने देश की रिफाइनरीज को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने की परमिशन दे रही थी। लेकिन भारत की कुछ रिफाइनरीज इस बीच रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके उसको रिफाइन करके जो पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल प्रोड्यूस कर रही थी उसको भारत की डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करने के बजाय विदेशों को एक्सपोर्ट कर रही थी। यूरोप के कई सारे देश और इवन अमेरिका भी रशिया को बॉयकॉट करके भारत से डीजल, पेट्रोल और प्लेन्स में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल परचेज कर रहे थे। प्राइवेट रिफाइनरीज ने ऐसा करके पिछले कुछ ही महीनों के अंदर कई बिलियन डॉलर्स छाप दिए थे। ऐसा नहीं कि भारत इससे पहले पेट्रोल, डीजल या फिर एविएशन टर्बाइन फ्यूल दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट नहीं किया करता था। भारत की रिफाइनरीज दुनिया के कई सारे देशों को पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट करती हैं। अब क्योंकि रिफाइनरी सेटअप करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है, इसलिए दुनिया के कई देशों में क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज नहीं होती हैं। ऐसे में वो देश डायरेक्ट क्रूड ऑयल तो परचेज नहीं करते हैं, बल्कि भारत जैसे बड़े बड़े देशों से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल परचेज करते हैं। हुआ ये कि भारत की क्रूड ऑयल की रिफाइनरीज रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज कर रही थी और फिर उस रशियन क्रूड ऑयल से पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल बनाकर दुनिया के दूसरे देशों को इंटरनेशनल मार्केट के दामों के ऊपर बेच रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस इस समय आसमान छू रहे हैं। ऐसे में रशिया से जो 25-30% का डिस्काउंट भारत को मिल रहा था उसका फायदा उठाने और ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में भारतीय रिफाइनरीज पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा जोर दे रही थी। ऐसा नहीं है कि रशियन क्रूड ऑयल से प्रोड्यूस किया गया सारे का सारा पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल विदेशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि भारतीय रिफाइनरीज डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड को प्रायोरिटी देने के बजाय विदेशों को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही थी। यानी कि भारतीय सरकार एक तो इतने सारे वेस्टर्न देशों की बातें भी सुने, उनका प्रेशर भी झेलते हुए रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करे, रशिया के साथ नेगोशिएशंस भी करे और उसका फायदा भारत की आम जनता को नहीं बल्कि इन रिफाइनरीज को होता रहे। मुनाफा तो देश में ही आ रहा था, लेकिन सस्ते क्रूड ऑयल का बेनिफिट भारत की आम जनता को नहीं मिल पा रहा था। हद तो तब हो गई जब भारत की जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंपनीज हैं, उन्होंने अपने देश की खुद की रिफाइनरीज को भी इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल देना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय सरकार ने भारत की ऑयल कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर दी है ताकि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहे रशियन क्रूड ऑयल का बेनिफिट भारत की आम जनता को ट्रांसफर किया जाए। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर मनी कंट्रोल के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा दिया है, जबकि डोमेस्टिक क्रूड ऑयल कंपनीज के ऊपर विंडफॉल टैक्सेस थोपने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल और जेट फ्यूल के एक्सपोर्ट के ऊपर 6 रुपए पर लीटर जबकि डीजल के एक्सपोर्ट के ऊपर 13 रुपए पर लीटर के टैक्स की वृद्धि की गई है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक क्रूड ऑयल की कंपनीज हैं, उनके ऊपर 23,230 रुपए पर टन एडिशनल टैक्स थोपा गया है ताकि जो इन कंपनीज को विंडफॉल गेन हुआ है यानी कम समय में भारी मुनाफा हुआ है इसको रिकवर किया जा सके। इसके साथ ही भारतीय सरकार ने ऑयल एक्सपोर्टर से कहा है कि वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन दें कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक गैसोलीन बिल में मेंशन टोटल क्वांटिटी का कम से कम 50% भारत की डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई किया जा सके, बाकी की 50% क्वांटिटी वो विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकती हैं। हालांकि 50% की कैप भी अभी बहुत ही कम है, लेकिन ये भी बहुत ही बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। भारतीय सरकार ने अब इन सभी ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज को साफ कर दिया है कि अगर ये सस्ते क्रूड ऑयल का बेनिफिट भारतीय लोगों को ट्रांसफर नहीं करेंगी तो इस तरह की और भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत की ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल कंपनीज के ऊपर की गई कार्रवाई से क्या आप लोग संतुष्ट हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।